सभी भाइयों को नमस्कार एवं जय हिंद। डीबी स्पोर्ट अकेडमी लखनऊ से आज का जो वर्कआउट है वो 600 मीटर की 3 रिपीटेशन लगेंगी, हेडर रनिंग होगी इसके साथ में। हेडर रनिंग पे रनिंग 600 मीटर की स्टार्ट है। हर दिन बाय दिन वर्कआउट चेंज रहता है, अलग अलग वर्कआउट चलता है। आर्मी की ये स्पीड वर्क चल रहा है, अभी लड़के स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अभी सर आने वाले हमारे यहाँ, नेशनल कोच जो है NIS करे हुए हैं, डीबी स्पोर्ट अकेडमी जो नेशनल कोच हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। अभी बच्चे 600 मीटर की स्टार्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी वार्म अप पे स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज ये सब सारी करने के बाद में अब ये फिट होंगे 600 मीटर की 3 रिपीटेशन लगाने के लिए। अब ये स्टार्ट लगा रहे हैं, पैर को अच्छे से खोल रहे हैं स्पीड गेन करने के लिए, बाद में इंजरी ना हो। इस वजह से जब भी आप स्पीड वर्क करें तो सबसे पहले आप अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें, बॉडी को गर्म करें, उसके बाद में ही स्पीड वर्क चालू करें, अन्यथा आपके बॉडी में इंजरी हो सकती है और आपका बॉडी में स्पीड वर्क इंप्रूव नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चे सब तैयारी में अपना 100% लगाना आपको 600 मीटर की 3 रिपीटेशन हेडर रनिंग लगी। इससे क्या आपकी स्पीड गेन होगी। अब ये यहाँ पर एकेडमी में ये नहीं होता कि भीड़ के साथ में एकदम दौड़ा दिया सबका, कोई वर्क ध्यान नहीं। यहाँ पे ये देखिए सर हमारे यहाँ पे दिखा रहे हैं हेडर रनिंग के, तो यहाँ पे ग्रुप में तीन तीन लड़कों का ग्रुप दौड़ेगा, हर बच्चे का देखिए सर की भाई बात सुनिए। इंडियन आर्मी अंग्रेजी के हैं, आज बृहस्पतिवार का दिन है, स्पीड वर्क है, हाइडल पर 600 मीटर की ये 2 रिपीटेशन, टोटल 3 रिपीटेशन लगाएंगे। दो इनको बता चुका हूँ, 1:30 या 1:40 के बीच में 2 रिपीटेशन लगाएंगे, जिसका रेस्ट रिकवरी का समय होगा 8 मिनट। 600 मीटर लगाने के बाद ये 8 मिनट रेस्ट लेंगे, पानी वानी पी कर फायदा आएंगे, फिर खींच लगाएंगे, पूरी इनकी जान लगेगी। हार्ट रेट करीब 185-90 के आसपास रहेगी। वर्क बहुत छोटा है, मात्र 3 मिनट का वर्क है आज करेंगे, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करेंगे। जैसा कि आपको सर ने बताया ये स्टार्ट होने वाली है 600 मीटर की फर्स्ट स्ट्रिप्शन सिर्फ 3 बच्चों के बीच में, और ये देखिए स्टार्ट हो गई है, 3 लड़कों का ग्रुप ये दौड़ रहा है। पहला ग्रुप 3 लड़कों का स्टार्ट हुआ, ये देखिए हेडर रनिंग के साथ में 600 मीटर की एक रिपीटेशन लग रही है, और प्रति रिपीटेशन जो है वो 1:35 से 1:40 के बीच में लगाना है। ये दूसरा ग्रुप 3 बच्चों का, ये दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो गया है, ये पहला ग्रुप इधर आ गया है, ये हेडर रनिंग के अपना ये पूरी की, ये पहला इन्होंने पहला टाइम पूरा किया, और दूसरा मैच स्टार्ट है। तीन तीन लोगों को खड़ा करके टाइमिंग ली जाती है, एक साथ नहीं दौड़ा जाए। ये दूसरा ग्रुप आ गया 3 लड़कों का, इनका दूसरा वो चल रहा है उसके साथ में। अब ये तीसरा ग्रुप सबके बच्चों का अलग अलग, ये तीसरा 600 मीटर स्टार्ट चालू कर दी इनने। वर्क तो बहुत उसके भी लेकिन बहुत हार्ड वर्क है, मात्र 3 मिनट ट्रेनिंग करेंगे आज, लेकिन इनकी सारी जान निकल जाएगी, इसी से स्पीड आएगी, ध्यान रखिए। आज बहुत छोटा वर्कआउट है लेकिन इसमें जो है बिल्कुल जान निकल जाती है लड़कों की। 3 मिनट का वर्कआउट रहता है, 3 मिनट का, और ये 5 किलोमीटर बराबर है, ये 3 मिनट का स्पीड वर्कआउट है, 600 मीटर की 3 रिपीटेशन हेडल पे लगाना रहती है। ये देखिए तीसरा ग्रुप स्टार्ट किया 600 मीटर का, तो यहाँ बच्चे इसी प्रकार तैयारी करते हैं। लिमिट की सीटें रहती हैं, लिमिट रजिस्ट्रेशन होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लड़कों की भीड़ नहीं बढ़ाई जाती है, स्पोर्ट की भी साथ में तैयारी करते हैं लड़के, और एकेडमियों की तरह नहीं है कि उनको कुछ आता है नहीं और बस एकेडमी खोल के अपना चालू कर दिए लड़कों को ऊपर तैयारी कराने लगे। नेशनल कोच हैं ये सर, NIS BPED MPED क्वालिफाइड है, मेडलिस्ट है नेशनल, वो तैयारी करवाते हैं आर्मी और प्लस स्पोर्ट की, जो बच्चा साथ में तैयारी कराना चाहता है तो स्पोर्ट की तैयारी कर सकता है। ये 7 से 8 मिनट का कूल डाउन कर रहे हैं, उसके बाद में फिर ये तैयार होंगे। अब ये दूसरा इनकी दूसरी रिपीटेशन चालू हो गई है, दूसरी रिपीटेशन ये जा रही है
मेडल के साथ में। दूसरी स्टेशन मेडल के साथ में कर रहे हैं। बहुत ही स्पीड तगड़ा वर्क चलता है यहाँ पर। आप आना चाहते हैं तो डीबी स्पोर्ट अकेडमी लखनऊ, हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिट रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आने वाली 5 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है आर्मी और प्लस स्पोर्ट की। जो तैयारी करना चाहता है उसके लिए लिमिट, भीड़ में नहीं दौड़ाया जाता, प्रति बच्चे पे एक एक मिनट का ध्यान दिया जाता है। इनका ये दूसरी स्टेशन चालू हो गई फिर से, 600 मीटर की 440 दौड़ने के लिए हर तरह से फिट होना पड़ता है। अभी यहाँ छोटी छोटी बात को देखना है, ये जब रनिंग कर रहे हैं बॉडी को सीधे स्ट्रेट कर ले रहे हैं, इसलिए ना बाल आप टोप पर रनिंग करना है, आगे को मोमेंट बना के ही रहना है। ये गलतियाँ थी, अभी करेक्शन क्यों आप देखते रहिए। ये दूसरी रिपीटेशन चालू हुआ, यहाँ पर लड़के स्पोर्ट प्लस आर्मी की तैयारी दोनों तैयारी कर सकते हैं। और आप ज़्यादा भीड़ भाड़ के चक्कर ना पड़े, आपको अच्छी तैयारी करना है, जल्दी इम्प्रूवमेंट लाना है रेस में ना होने वाले। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोचिंग में भीड़ भाड़ भी होनी चाहिए, 10-5 बच्चे तो होने तो वो इसी मके हैं, इनका भी टाइम देखना, हर बुधवार को टाइम ले रहा है। ये बच्चे फिर स्टार्ट अपनी थर्ड स्टार्ट लास्ट राउंड लगाने के लिए तैयार हैं। और ये तैयार, इन्होंने लास्ट अपना स्ट्रेचिंग कर लिया। ये देखिए क्या हालत होती है लास्ट में रनिंग करने के बाद में, 600 मीटर की फाइनल रिपीटेशन लगाने के बाद में क्या हालत हुई इनकी। इस प्रकार दोस्तों आर्मी की तैयारी कराई जाती है, जो क्वालिफाइड रहेगा वो सिस्टम से सिस्टमेटिक ही वर्क कराएगा लड़कों को, कि इंजरी ना हो, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। या भेड़िए की तरह नहीं दौड़ाया जाता है कि सबको दौड़ा दिया, कोई बच्चों का किसी पे ध्यान नहीं है क्या है क्या नहीं है। ये इनकी तीनों रिपीटेशन फाइनल कंप्लीट हो चुकी है, हेडल पे जो उन्होंने 3 रिपीटेशन लगाए थे, अब ये कूल डाउन कर रहे हैं स्ट्रेचिंग करने के बाद में। अब ये कूल डाउन अपना वर्कआउट इन्होंने ख़त्म कर लिया है सारा, अब स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करने के बाद में अपनी बॉडी को रिलैक्स करके इनका वर्कआउट आज का यहाँ पर ख़त्म हुआ। डेली चेंज वर्क रहता है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्च करिए हमारा चैनल।